हैप्पी बर्थडे, हमारा बर्थडे के। थैंक यू सो मच। क्या है इसमें? तुम खुद ही देख लो। वाओ, थैंक यू सो मच अंकल। दो हफ्ते बाद क्यों ना वीकेंड पे 30 मार्च को शादी की डेट फिक्स कर ली जाए। हाँ, जैसे हम लोग को अच्छा लगे ऐसे ही कर लेते। मुबारक हो भाई। मुबारक हो। अच्छा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। आई जॉइन यू लेटर। हारिस, तुम्हारी शादी तो हो रही है आखिरकार, लेकिन मुझे ताजवा के चेहरे पे ढूंढने से भी खुशी नजर नहीं आ रही। ये तो उसकी अदा है, वो अपनी फीलिंग्स मेरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाती। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि कोई गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि जैसे अंकल की खातिर उनका उनका किया हुआ फैसला निभा रही है। क्यों हुमायूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी अपिया, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। नॉर्मली थी वो, और अपना हारिस भी तो इस पर कुछ ज्यादा ही जान इशार करता है। हो सकता है शायद उसे कुछ स्पेस चाहिए। अरे कोई स्पेस वेस नहीं चाहिए उसे यार। ये ना हो कि मैं पीछे हट जाऊं तो कोई दूसरा बीच में आके घुस जाए, जैसे फिल्मों में होता है। आपको मेरी कसम है, जितना जल्दी हो सके आप यहां से चले जाएं। आपकी शक्ल नहीं देखी। सॉरी गाइस, जमान की कॉल थी यार, वो वाला कोर्ट से, वहां जलजला आ गया यार, इमरजेंसी हो गई है। कह रहे थे डॉक्टर्स बहुत कम है। मैं सोच रहा हूँ अपने हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टर्स को मोबिलाइज करके ले जाऊँ अपने साथ। तो तू क्यों जाएगा साथ? इतने सारे डॉक्टर्स हैं, उनमें से किसी को भी भेज दे। तुम्हारी 2 दिन बाद शादी है, तुम अपनी शादी को छोड़ के वहां जाओगे बालाकोट? हमें जाना पड़ेगा यार, इमरजेंसी है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, समझे? सलमान को फोन करके तो खुद मना कर रहे हैं, मैं अपने पास से फोन करूं। जिंदगी में एक नेक काम करने जा रहा हूं, वो भी नहीं करने दे रहा मुझे। ओ भाई, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, उनमें से किसी को भी भेज देना यार। तेरी 2 दिन बाद शादी है, तो कहां वहां जाएगा? तुम क्यों नाराज हो रही हो? बस अजीब सा लग रहा है कि ऐन मौके पे आप जा रहे हैं। I promise I'll be back. हद होती है, 2 दिन के बाद शादी है, ये कोई मजाक है? आपको पता है होगा, आज निकल की बहुत याद आ रही है। होती ना तो मेरे आधे गम बांट लेते। मैं अकेला कैसे नुकसान करूंगा अपनी बेटी को? हर खुशी अधूरी लग रही है आज। घर में हर कोई एक दूसरे से आंसू छुपाता फिर रहा। मुझे पता था कि आप यही होंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद टीवी देख रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? यह बाहर सो रही है, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ पे देख लिया तो हारिस की इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। तुम जाओ यहाँ से आज। खुदा के लिए मुझे शादी से बचा लो हुमायूं, अभी भी वक्त है। देखो कल फिर हारिस आ जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम क्या चाह रही हो ताज? हम आज रात ही निकाह कर लें, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पापा भी आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे और हारिस कुछ नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे सब राजी हो जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ। नहीं हुमायूं, चलो। चुपचाप अंदर घर जाओ। अब मैं यहां पे उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक मेरा दोस्त आके तुमसे निकाह नहीं करता। जाओ तुम अंदर। हेलो, हारिस की डेथ हो गई।
इस्लामाबाद जा रहा हूँ वापस। अपना ख्याल रखना। 2 महीने हो गए हैं और इस वापस कब आएंगे? इस शहर में मैं सिर्फ हारिस की वजह से आया करता था। जब वो ही नहीं रहा तो फिर किसके लिए आऊंगा वापस? मैं आपको इस शहर में आने से बार बार मजबूर नहीं कर सकती, एक बार जरूर मजबूर कर सकती हूँ। अगर मैं मर जाऊं तो ताज तुम्हें क्या हो गया? प्लीज ऐसी बातें मत करो। सब कहते हैं कि ऐसी बातें मत करो, कोई ये नहीं कहता है कि ऐसी बातें मत सोचो। शायद इसलिए क्योंकि कोई हमारी सोच नहीं सुन सकता, नहीं जान सकता कि हमारे दिल में क्या है। ठीक है, ऐसी बातें नहीं करती। खामोशी से चली जाऊंगी, सबको पीछे छोड़ के। तुम कहीं नहीं जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। क्यों नहीं होने देंगे? आपकी लगती क्या हूं मैं? आपके जिगरी दोस्त की आधी बेवा? क्योंकि हमारी तो सिर्फ मंगनी हुई थी। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप बात नहीं समझ रहे। हम में से किसी एक को मरना होगा, या आपको या मुझे। क्यों? मैंने क्या किया? मैंने मारा हारिस को, मैंने ली उसकी जान। मेरी जान तो ली है बार बार, और आखिरी बार उस रात जब जबरदस्ती वापस ले आए थे मुझे। 2 माह हो गए इस बात को, रोज रोती हूँ। जानता हूँ, शायद यही एहसास जुर्म है जो मुझे चैन से रहने नहीं देता। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैंने अपने दोस्त को दफा दिया। समझ नहीं आती, ये घर है कि भूत बंगला? इतना सन्नाटा है, किसी के कदमों की चाप तक सुनाई नहीं देती, ना कोई हंसता है ना बोलता है। अरे इससे ज्यादा रौनक तो कब्रिस्तानों में होती है। तो क्या करूं शायद? पहले निकृत को मौत ने छीन लिया और अब हारिस को चख लिया। घर में वीरानी नहीं होगी तो और क्या होगा? जो मर गए उनके साथ मरा नहीं जाता। शुक्र है खुदा का कि तुम्हें अब ये अकल आई, वरना तुम्हारी मरने मराने की बातें सुनकर मुझे डर ही लगा रहता था। रात को सही तरह सो भी नहीं पाता था मैं। आप फिक्र ना करें, मैं जीना चाहती हूँ आपके साथ। ये ख्वाब तो नहीं? ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। हम ऐसा करते हैं कि दोनों बच्चियों को भिजवा देते हैं। देखो ये तकरीबात जरा बहाना होती हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप ड्राइवर से कह के आप दोनों के साथ चली जाएं। वैसे भी देर से वेर हो जाती है ऐसे फंक्शंस में। नहीं, हमायूं बेटा है ना, हम उसे साथ भिजवाते हैं। एक तो हमें तसल्ली होगी ना कि हमारा अपना कोई उनके साथ है। और फिर पता है कि ताजवर उसके साथ बहुत हंसी खुशी से बातचीत करती है। लो। वैसे आज तो मुझे लगता है कि हुमायूं भाई अपने होश ही खो देंगे आपको देखकर। ये ना हो कि वो मर जाए। तुम जरूरत से ज्यादा नहीं बोलने लग गए, जो दिल में आया कह दिया। हाँ, और चाहती हूँ कि जो आपके दिल में आप भी वो बोल दें, बता दें सबको ना कि देर हो जाए। आप जानती हैं ना कि बाप ने आगे क्या करना है। अच्छा चलें, अब जल्दी करें, हुमायूं भाई आने वाले हैं। मैं भी बस 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी। ठीक है,
ताजवर का गम बटाने के लिए उसकी शादी कहीं और तय कर देनी चाहिए। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली साहब, यही तो मैं कहना चाह रही थी। अब देखिए ना, हारिस का गम तो पहाड़ जितना है, और फिर अल्लाह की मर्जी के आगे तो हम बहुत बेबस हैं, जो भी नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने खानदान में कोई अच्छा सा लड़का ताजवर के लिए देखिए, जो उसके साथ सजे भी। एक बार अपनी मर्जी करके देख चुका हूं मैं, वो हारिस से शादी जरूर कर रही थी लेकिन मजबूर है। सादतमंद बेटियां तो ऐसी ही होती हैं। लेकिन इस बार उसे इम्तिहान में नहीं डालूंगा मैं। शाही, आप उससे बात करके देखें ना कि उसका झुकाव किस तरफ है। आप बात करके तो देखें उसे। मैं जरूर बात करूंगी। एक गजल लिखी मैंने, सुनाओ। मुझे कोई गजल नहीं सुननी है, मुझे इससे मत बहलाएं। अच्छा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम अंदर जाओ, जाके चेंज करो। मैं भी घर पहुंच गई तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि कोई और रिश्ता आ जाए, आप पापा से बात करेंगे? Okay. अब तो कोई रुकावट नहीं है। I think शायद फिर कोई misunderstanding होगी। I'm sorry आपको मैंने इस तरह disturb किया। आप continue कीजिए, मैं फिर आता हूँ। हाँ, are you sure कोई काम नहीं? नहीं नहीं अंकल, कोई काम नहीं था। आप continue कीजिए, मैं फिर मिलता हूँ। ठीक है। हुमायूं? जी अंकल। ताजवर से शादी करोगे? मैं चाहता हूँ सब कुछ सादगी से हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसकी खुशियों को दोबारा किसी की बुरी नजर लगे। अभी सलमान शाही से जाके पता करो मिठाई का क्या हुआ। जी जी, बस अभी लेके हो गई बात तुम्हारी। ठीक है, मायूं भी नहीं आया अभी तक। इस लड़के ने तो नाक में दम किया। सॉरी अंकल, क्या हाल है ब्रो, कैसे हैं आप? कैसे? सॉरी अंकल, आई एम सो सॉरी। तो कहाँ रह गए थे? अंकल ताज के लिए फ्लावर्स ले रहा था, उसके लिए लेट हो गया। आई एम सो सॉरी। दूल्हा को देखो, शादी पे भाग भाग के काम कर रहा है, ऐसे लग रहा है किसी पराई शादी में आया है। वो निकाह खान का क्या हुआ? अरे हाँ अंकल, निकाह खान से मैंने बात की, उसी का फोन होगा शायद। तो सलमान का फूल वहां रखो, जाके पता करो मिठाई का क्या हुआ। हेलो, क्या ख्वाजा साहब? अच्छा कि आप आ गए, नहीं तो हम सोच रहे थे कि किसी और गवाह का बंदोबस्त करें। भला ऐसे कैसे हो सकता है रफीकी साहब, हमारी बेटी की शादी है आज, दूल्हा मियां नजर नहीं आ रहे। अब तो आप तो हमायूं से मिले नहीं। हमायूं, ये क्या हुआ? सामान का फोन था अंकल। तो हारिस जिंदा है। कुछ तो बोलो ताजवर, कैसे हैं हारिस? तुमसे दूर रहकर जैसे रह सकता था वैसे ही। उसे ज़हनी काउंसलिंग की ज़रूरत है। कोई 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 सदमा, कोई शॉक उसे फिर से बीमार कर सकता है, वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। बेटा, मेरे बड़े अजीज मरहूम दोस्त का बेटा है, मुझे बहुत अजीज है, प्लीज बचा। मैं कल वो आ गए ना।
ईश्वर। कैसी होता जी? कुछ तो बोलो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं तुम्हें अकेला अधूरा पता नहीं कैसे छोड़ के चला गया। कुछ तो बोलो ताजवर। कि कैसे है हारिस? तुमसे दूर रहकर जैसे रह सकता था वैसे ही। मेरे आने की खुशी पर तुमने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई। थैंक यू। नूर, किसी को हारिस से बात करनी होगी। उसे बताना पड़ेगा कि सब कुछ बदल गया, अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। मुझे बहुत डर लग रहा है। हुमायूं मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे। बहुत बड़ा इम्तिहान है मेरे लिए। आपी, इस वक्त हारिस भाई का जो हाल है, हम में से कोई भी उनसे कुछ नहीं कह सकता, और शायद इसीलिए हुमायूं भाई भी खामोश है। नहीं नहीं, वो जिस तरीके से मुझे देख रहा है ना, जैसे उसकी नजरें मुझे बताना चाह रही हो कि ताज, हमारे बीच में जो भी था सब कुछ खत्म हो गया है। जैसे रेत पे लिखे हुए किसी के नाम और समुद्र की लहरों से ले गई हूं। नहीं आपी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज ही तो आए हारिस भाई, उनको थोड़ा वक्त तो दे संभलने का। नहीं, मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। हारिस की झूठी मौत से भी बड़ी। मुझे बहुत डर लग रहा है सब कुछ फिर से खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि हारिस को मुझे खुद बताना पड़ेगा। जब उन्हें पता लगा कि मैं एक डॉक्टर हूं, उन्होंने अपने सारे इलाज मुझसे कराने शुरू कर दिए। कभी मैं किसी के जख्म ट्रीट करता था, कभी किसी को ठीक करता था। फिर एक बॉम्ब बनाने वाले की उंगलियां उड़ गईं। मैंने उसका ऑपरेशन किया, उसे ठीक किया। इन रिटर्न उन्होंने मुझे इनाम यह दिया कि एक पूरे दिन के लिए उन्होंने मुझे खाना दिया पेट भर के। मेरी इज्जत नफ्स मार दी थी उन लोगों ने। बस हर वक्त यही डर लगता था कि मुझे किसी भी वक्त मार देंगे। आओ ताजी, बैठो। फिर क्या हुआ? बस मैं ताजवर के बारे में ही सोचता रहता था। बहुत फिक्र होती थी मुझे। फिर एक दिन फैसला किया कि यहां से भागना चाहिए, और फिर एक सिचुएशन बन गई। वो अपने कैदियों को शिफ्ट कर रहे थे, और उस हपड़ दपड़ में मैंने दौड़ लगा दी। मैं एक जगह जाके छुप गया, और फिर वहीं के एक शख्स ने मुझे पकड़ लिया। मुझे लगा ये मुझे वापस लेके जाएगा और वो मुझे मार देंगे, लेकिन टू माय सरप्राइज उसने मुझे छोड़ दिया। वो मुझे वापस नहीं लेके गया। तुम्हें पता है वो शख्स कौन था? वही बॉम्ब बनाने वाला जिसको मैंने बचाया था। उसी की वजह से मैं वहां से भाग कर आया। खैर, फोन नंबर किसी का याद नहीं था मुझे, चल मैं सकता नहीं था। बस लेट कर दुआएं करता रहता था और तुम लोगों को याद करता रहता था। तेरा यूं इस तरह वापस आना किसी मौत से कम नहीं यार। एक्सक्यूज मी सर, ताजवर भी या रफीकी साहब कहाँ मिलेंगे सर? जी यहीं पे मिलेंगे। क्या काम है आपको? हारिस भाई, मैं इनको ले जाती हूँ ना,
आप यहाँ पर एक्सरसाइज करें, चलें आप मेरे साथ। एक सेकेंड, काम क्या है आपको? ताजवर बीबी के विलीमे का जोड़ा लेके आया था। ताजवर बीबी की शादी का जोड़ा? वो अब देखे ना, शादी तो हो ही जानी है, तो अब्बू ने सोचा होगा कि पहले से ही जोड़ा बनवा के रख लेते हैं। अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए थी तो बता देते, मास्टर साहब कह रहे थे कि 25 को शादी है और अभी तक कोई जोड़ा लेने आया नहीं। क्या मतलब? पता नहीं हमें किसके साथ मिक्स कर रहे हैं। भाई तुम बोलते बहुत ज्यादा, अंदर चलो मैं तुम्हें पापा से मिलवाती हूँ। चले आप एक्सरसाइज करें। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ताजवर और लेटर्स। हारिस अपिया, ओह माय गॉड, अपिया रो नहीं मेरी, क्या ऑलरेडी बड़ा दर्द हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पे। हारिस मुझे जब खबर मिली कि तुम जिंदा हो, मुझे लगा कि कोई मजाक हो रहा है मेरे साथ। मजाक किस्मत ने खेला मेरे साथ। I missed you. तुम क्यों मुझे बार बार फोन करके तंग कर रही हो ताजवर? मैंने तुम्हें बोला भी है ना, दोस्ती और मोहब्बत में से मैंने दोस्ती का इंतखाब कर लिया। तुम्हें शादी हारिस से करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, समझी तुम? हारिस तू यहां क्या कर रहा है? ये काम था क्या? नहीं नहीं कुछ भी। क्या हुआ, किसकी कॉल है? नहीं यार ऐसे ही कोई तंग कर रहा है, चल अंदर चलते हैं। मैं बात करता हूँ, कौन तंग कर रहा है? नहीं नहीं तू जाने दे, मैं कर लेता हूँ बात। हेलो छ
मुझे पता चला कि ताज की शादी तुझसे तय हो गई है, तो मैं वो सारे राज दिल में दफन करके कहीं दूर चला जाना चाहता था, खुद घर से ही बढ़ना चाहता था। तो तुझे किसने कहा था मोहब्बत खुदवर्जी का नाम है? तुझे क्या लगता है, मैं ताजवर से अपने लिए शादी करना चाहता हूँ? मैं तो सिर्फ ताजवर को खुश देखना चाहता था, और मुझे गलत फहमी हुई, मुझे लगा मुझसे ज्यादा उसे कोई खुश नहीं रख सकता। या तो आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं, या फिर हम दोनों की मोहब्बत एक जैसी है, क्योंकि मैं भी हुमायूं से। ए, किधर जा रहे हैं? तुम दोनों की जिंदगी की खुशियों को मेरी ही नजर लगती है। मैं जा रहा हूं तुम दोनों की जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर। बात सुन मेरी, जब मैं कैद में था ना, पता है मुझे सबसे अजीब बात क्या लगती थी? जब एक कैदी को खाना नहीं दिया जाता था ना, हम सब भूखे होते थे। किसी कैदी को पानी पीने की इजाजत नहीं, हम सब प्यासे रहते थे। अजीब लगता था सब कुछ, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आनी शुरू हुआ, हम सब इंसान एक साथ जुड़े हैं, हम सब कनेक्टेड हैं। शायद इसलिए एक इंसान के कत्ल, पहले तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि इससे पहले मैंने जिंदगी को इतने करीब से नहीं देखा। अब देख लिया तो जान गया कि जिंदगी देने का नाम मुस्कुराहटें, प्रपोजल्स। प्रपोजल्स? क्या तुम मेरी दोस्त से शादी करोगे?